नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी प्रीफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज निर्धारण का तरलता अधिमान सिद्धांत। ब्याज निर्धारण के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड केन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में किया था। और उन्होंने सबसे पहले लिक्विडिटी प्रीफरेंस की कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में यूज की थी। तो पहले हम लेक्चर की स्टार्ट करने से पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि लिक्विडिटी प्रीफरेंस से हमारा क्या अभिप्राय है। लिक्विडिटी को हिंदी में जैसे हम तरलता कहते हैं। अब किस चीज की तरलता की हम बात कर रहे हैं? हम यहां पे मुद्रा की तरलता की बात कर रहे हैं, यानी मुद्रा के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि हम कैश के रूप में रख सकते हैं, हम अपने धन को बैंक में डिपॉजिट करके रख सकते हैं, गोल्ड के रूप में रख सकते हैं, शेयर के रूप में रख सकते हैं, बॉन्ड के रूप में रख सकते हैं। तो हम अपनी पूंजी को जिस रूप में रखते हैं उस रूप से उसके प्रयोग तक जितना समय लगता है वो लिक्विडिटी को डिसाइड करता है कि कोई जो मुद्रा का रूप लिक्विड है या कम लिक्विड है या ज्यादा लिक्विड है, यानी कम तरल है या अधिक तरल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जेब में कैश है, नोट है, तो वो काफी तरल है, क्योंकि जब भी हमें कोई सौदा करना होता है तो हम आसानी से उस मुद्रा के सहायता से हम आसानी से उस सौदे को कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने वही बैंक में रखा हुआ है तो वो थोड़ा कम लिक्विड है, कम तरल है, क्योंकि उसको हम तुरंत यूज नहीं कर सकते, हमें बैंक में जाना पड़ेगा, निकाल के लाना पड़ेगा, तो उसकी तरलता थोड़ी कम है। इसके साथ साथ मान लो हमने शेयर और बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं किसी कंपनी के, तो उनको जब हमें बिक्री करनी पड़ेगी उसके बाद हमारे पास वो धन आएगा, वो मुद्रा आएगी, तो उसके बाद हम वो सौदा कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो तरलता से हमारा अभिप्राय है कि मुद्रा का वो रूप जिसे हम जितनी आसानी से क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए या सौदों के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो अधिक तरल है। तो तरलता से हमारा अभिप्राय मुद्रा का वो रूप है जिसे जितनी आसानी से सौदों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये तो अर्थ हुआ लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी प्रीफरेंस, प्रीफरेंस का मतलब होता है अधिमान कहते हैं जिसको हिंदी में, यानी किसी चीज को प्रीफर करना। जैसे कि आप कहते हो कि मुझे केले से सेब ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रीफरेंस है। तो यहां पे केन्स का यह मानना था कि लोगों की प्रीफरेंस होती है लिक्विडिटी की तरफ, यानी वो मुद्रा के को उस रूप में रखना चाहते हैं जिसे वो आसानी से यूज कर सकें, यानी लोगों का एक तरलता अधिमान होता है, अर्थात लोग जो हैं वो मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा तरल रूप में रखना पसंद करते हैं। इसको उन्होंने नाम दिया लिक्विडिटी प्रीफरेंस, यानी लोगों की तरलता अधिमान होती है, अर्थात लोग मुद्रा की मांग करते हैं क्योंकि मुद्रा के माध्यम से वो अपनी पूंजी को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं सौदों को करने के लिए। तो ये बेसिक हमारा मीनिंग है लिक्विडिटी प्रीफरेंस का। आइए पहले हम जान लेते हैं कि लॉर्ड केन्स के अनुसार इंटरेस्ट से हमारा क्या अभिप्राय है। केन्स के अनुसार इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो एक प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन है। मॉनेटरी फिनोमिनन यानी ब्याज की दर जो है वो केवल एक मौद्रिक घटना है। मौद्रिक घटना से हमारा क्या अभिप्राय है कि ये मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, मुद्रा के द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए ये विशुद्ध रूप से मौद्रिक घटना है। वास्तविक तत्वों का ब्याज की दर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल मुद्रा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है, ऐसा केन्स का मानना था। फिर उन्होंने जो ब्याज की दर है उसको डिफाइन कैसे किया है? उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो अपने पास कैश रखना चाहते हैं, किसी दूसरी तरीके की जो परिसंपत्तियां हैं उनमें निवेश करने के अपेक्षा लोग अपने पास कैश रखने को, नकदी रखने को अधिमान देते हैं, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं अगर नकदी को वो अपने पास रखें। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि लोगों की प्रीफरेंस ये है कि वो नकदी को अपने पास रखेंगे, लेकिन अगर हमें उनकी इस प्रीफरेंस से लोगों को दूर ले जाना है, यानी जो लिक्विडिटी उनके पास है नकदी के रूप में, अगर उसको उस
नकदी से या उस तरलता से उसको अगर हमें अलग करना है, पार्टिंग विद लिक्विडिटी का ये अर्थ है कि अगर उसके जो जेब में पैसे हैं अगर वो उसे हमें निकालने हैं या किसी दूसरे रूप में रखने हैं, जब वो उधार देगा तो दूसरे रूप में आ गया ना, उसके पास तो एक उधार का जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगी, पैसे तो नहीं रहेंगे उसके पास, तो इसका मतलब उसके पास जो अब जो असेट्स है वो कम लिक्विड है, यानी उसने अपनी लिक्विडिटी को छोड़ दिया है, तो परित्याग किया है किसका, तरलता का। तो केन्स के अनुसार ब्याज जो है वो तरलता के त्यागने का पुरस्कार है, इट इज एन रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग के पुरस्कार को ब्याज कहते हैं। तो केन्स के अनुसार ब्याज क्या है, ब्याज निश्चित समय अवधि के लिए तरलता के त्यागने का पुरस्कार है। क्लियर है, यानी इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि लोगों से उनकी लिक्विडिटी को हम लेते हैं, कम करते हैं, ऐसी परिसंपत्तियों में हम उसको लोगों को जब लेके जाते हैं जहां उनकी तरलता कम है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई उन्हें इनाम देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी प्रीफरेंस क्या है, कैश रखना है, लेकिन अगर हम कैश के अलावा किसी दूसरे रूप में रखते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है। इसलिए केन्स के अनुसार ब्याज क्या है, ब्याज तरलता को त्यागने का पुरस्कार है जो वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए त्यागते हैं, यानी एक साल दो साल जितना भी हो सकता है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमने कहा था कि प्योरली जो है वो मॉनेटरी फिनोमिनन है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों मॉनेटरी है, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित होता है। अब ये डेफिनेशन जो हमने देखी, इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। उनके अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट एक प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम भी एक पुरस्कार है, एक जो किस लिए दिया जाता है, लोगों को अपने धन को संचित मुद्रा में रखने की अपेक्षा किसी दूसरे रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अर्थात वहां भी हम यही बात करें, लोगों की जो प्रिफरेंस है, जो अधिमान है, जो उनकी मांग है, वो ये है कि वो लिक्विड रूप में मनी को अपने पास रखें, होर्डेड रूप में रखें, अपने जेब में रखें कैश को वो, लेकिन अगर उसको हमें किसी दूसरे रूप में रखवाना है तो उसके लिए उनको हमें कोई ना कोई प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उन्हें इंड्यूस करना पड़ेगा, और ये इस इंड्यूसमेंट के लिए हमें कोई ना कोई प्रीमियम देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको भुगतान करने पड़ेगा, यही प्रीमियम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो होपफुली रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो केन्स की कंसेप्ट है वो मेरे हिसाब से तो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि केन्स के अनुसार रेंट राइज क्यों होता है, उत्पन्न क्यों होता है रेंट। अब लोग अपने पास कितनी मात्रा में धन रखेंगे वो डिपेंड करता है कि उनकी कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है, कुछ लोगों की कम हो सकती है, उस हिसाब से वो कैश अपने पास रखना पसंद करेंगे। अब क्योंकि लोग धन को नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, तरलता के रूप में रखना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी एक लिक्विडिटी प्रीफरेंस होती है, और कितना रखेंगे वो डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अब क्या होगा, जितनी स्ट्रांगली लोग कैश को अपने पास रखना चाहेंगे उतनी ही उनकी लिक्विडिटी प्रीफरेंस ज्यादा होगी। यहां पे हमने डिसाइड किया कि लिक्विडिटी प्रीफरेंस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये व्यक्तियों पे भी डिपेंड करता है, जितनी स्ट्रांग उनकी प्रीफरेंस होगी लिक्विडिटी की उतनी ही हम कहेंगे कि उनकी लिक्विडिटी प्रीफरेंस ज्यादा है, या उनकी मनी की जो डिमांड है, नकदी की जो डिमांड है, मांग है, वो ज्यादा है। अब क्योंकि लोगों की लिक्विडिटी प्रीफरेंस है, नकदी की मांग है, अगर उनको हम किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए देते हैं, यानी पार्टिंग विद लिक्विडिटी कहते हैं, तो इसके कारण उनको कुछ ना कुछ असुविधा होगी, कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट होगा। अब वो उस डिस्कम्फर्ट को तभी सहन करेंगे, उस असुविधा को सभी तभी सहन करेंगे जब उसके लिए कोई उन्हें इनाम मिलेगा, और ये इनाम जो है ये इंटरेस्ट के रूप में अराइज होता है, ऐसा केन्स का मानना था। आइए अब हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन कैसे होता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 10% है, उसका निर्धारण केन्स के अनुसार किस तरीके से होता है। अब केन्स ने कहा कि इस संसार में सब लोगों को मनी की अलग अलग पर्पजेज के लिए, बहुत सारे पर्पजेज हो सकते हैं जिसके लिए आवश्यकता है, तो ये उनकी जो डिमांड है, मनी की डिमांड है, हर व्यक्ति की है, मेरी भी है, आपकी भी है। अब
अगर समाज में सारे व्यक्तियों की हम मनी की डिमांड जोड़ दें तो हमें इकोनॉमी में मनी की डिमांड पता लग जाती है कि मनी में पूरी डिमांड जो है वो मनी की कितनी है फॉर द होल इकोनॉमी। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता है कि देश के अंदर मनी कितनी मात्रा में है, क्योंकि जो मौद्रिक अधिकारी हैं उन्होंने कितने नोट छापे हुए हैं, कितने सिक्के छापे हुए हैं, कितने मार्केट में उन्होंने छोड़े हुए हैं नोट और सिक्के, उस हिसाब से सप्लाई ऑफ मनी डिसाइड हो जाती है। अब ये डिमांड और सप्लाई जो है, जैसे बाकी चीजों का रेट डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित होता है, इसी तरीके से केन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण भी डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुद्रा की जो मांग है, डिमांड फॉर मनी है, वो किन चीजों पे निर्भर करती है। तो डिमांड फॉर मनी पहले हम देख लेते हैं, फिर सप्लाई ऑफ मनी देख लेंगे। तो डिमांड ऑफ मनी से शुरू करते हैं। अब केन्स के अनुसार लोग जो हैं लिक्विड रहने के लिए मनी की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, और वो तीन पर्पजेज हैं, मोटिव्स क्या हैं, लोगों को कितनी मात्रा में कैश चाहिए, उनको कैश क्यों चाहिए, उसके तीन मोटिव केन्स ने, तीन उनके उद्देश्यों की बात की कि लोगों की जो मुद्रा की मांग है वो तीन उद्देश्यों के लिए करते हैं, तीन उद्देश्यों के लिए उन्हें नकदी की आवश्यकता होती है। आप इस अर्थ में समझ सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो मुद्रा को नकदी के रूप में रखने के लोगों के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तीन उद्देश्य उनके अनुसार हैं। पहला है, उन्होंने कहा कि लोग इसलिए अपने पास मुद्रा रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कोई ना कोई सौदे करने होते हैं, जिसको हमने नाम दिया ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन का मोटिव का मतलब है कि क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कह सकते हैं, यानी हमें चीजों को क्रय और विक्रय करना पड़ता है, इसके लिए हमें नकदी की जरूरत है, हमें सामान खरीदना है बाजार से, इसके लिए हमें नकदी की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन मोटिव है। दूसरा जो हमारा मोटिव है वो है प्रीकॉशनरी मोटिव, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, कुछ अनिश्चितताएं हैं। अब इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए हमें कुछ मुद्रा नकदी के रूप में रखनी पड़ती है। हम अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं, सबके घरों में तिजोरी में कुछ ना कुछ पैसे हम अलग से इमरजेंसी के लिए रखते हैं, तो प्रीकॉशनरी मोटिव है, पता नहीं किसी को कोई अचानक जरूरत पड़ जाए, अगर कोई मजदूरी करता है तो हो सकता है उसको कुछ दिन मजदूरी नहीं मिले, या जो इनकम है उसका सोर्स बंद हो जाए, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए घर में, वो कुछ भी उद्देश्य हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं ये प्रीकॉशनरी मोटिव के लिए, यानी सावधानी उद्देश्य के लिए कुछ मुद्रा हम नकदी के रूप में रखते हैं, तो ये क्या है, ये आपका प्रीकॉशनरी मोटिव है, प्रीकॉशन एज ए प्रीकॉशन रखते हैं। तीसरा जो मोटिव उन्होंने बताया वो स्पेकुलेटिव मोटिव बताया, कि लोग मुद्रा की मांग स्पेकुलेशंस के लिए करते हैं। अब स्पेकुलेटिव का अगर आप हिंदी में अर्थ देखोगे तो इसका मतलब होता है सट्टा, यानी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। अब सट्टा, ये ध्यान रखना कि सट्टे का मतलब जुआ नहीं है, सट्टा कुछ डिफरेंट है, यानी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि उन्हें भविष्य का बाकी व्यक्तियों से ज्यादा पता है, अब इस नॉलेज का फायदा उठा के वो कुछ मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं, कुछ मुद्रा अपने पास वो रखना चाहते हैं ताकि उचित समय आए तो उसको वो निवेश करके कुछ लाभ कमा सकें, तो इसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव, या जैसे हम कहते हैं कि पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, तो उस उद्देश्य के लिए जो मुद्रा हम नकदी के रूप में रखते हैं ताकि उचित समय आने पर जो अवसर हमारे पास आएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आएंगी, उनका हम फायदा उठा के लाभ कमा सकें, उस उद्देश्य के लिए भी कुछ नकदी हम अपने पास रखते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। तो केन्स के अनुसार तीन मोटिव्स के लिए हम ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रीकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। तो ये तो हो गया मुद्रा की मांग के तीन तत्व, अब इनको एक एक करके देखते हैं, हम ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं। पहला है ट्रांजेक्शन डिमांड ऑफ मनी, जैसे कि मैंने अभी बताया था ट्रांजेक्शन मोटिव क्या है, ट्रांजेक्शन मोटिव है कि हमें कुछ सौदे करने हैं, व्यक्तियों को भी करने हैं, बिजनेस को भी करने हैं, फर्म को भी करने हैं, तो उस पर्पज के लिए हमें कुछ ना कुछ मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अब ये कितनी मात्रा में हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए, ये डिपेंड करता है हमारी इनकम पे, केन्स का ऐसा मानना था कि हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। कुछ दूसरे तत्व भी उन्होंने बताए कि ये आय पर निर्भर करता है, इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारी आय का गैप कितना है, यानी जो आपको आय मिलती है, जैसे मान लो हमें तनख्वाह मिलती है या मजदूरी मिलती है, वो अगर महीने में मिले
तो हम ज्यादा पैसे रखेंगे। अगर वो हर सप्ताह मिले तो हमें कैश कम मात्रा में रखना होगा। अगर वो 15 दिन के बाद मिले थोड़ा ज्यादा मात्रा में रखना पड़ेगा। और अगर हमें मान लो साल की एक ही बार मिले तो हमें उस पर्पज के लिए कैश ज्यादा रखना पड़ेगा। यानी ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इनकम क्या है और इसके साथ साथ इनकम का जो गैप है उस पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब इस पर्पज के लिए अगर हम मुद्रा की मांग करते हैं तो इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करेगी, वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगी। तो इसको हम दोनों दो ग्राफ के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। यानी ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए मनी की डिमांड को मैं आगे सिंबल यूज करूंगा थ्रू आउट चैप्टर। एलटी, एलटी क्या है, इनकम का एक पोर्शन है, इनकम का एक फंक्शन है। अगर इनकम के साथ हम इसको दिखाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, जैसे कि हमें पता है इस एक्सिस पे मैंने एक्स एक्सिस पे मनी लिया, वाई एक्सिस पे हमने इनकम ली, क्योंकि हमने कहा कि इनकम पे डिपेंड करता है। तो वो रिलेशनशिप क्या है, इनकम ज्यादा होगी तो लोग ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए ज्यादा मात्रा में मनी रखेंगे, कैश ज्यादा रखेंगे। यानी जिसकी इनकम 1,00,000 रूपये है उसको ज्यादा मात्रा में ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए मनी रखेगा, और जिसकी इनकम 15,000 है वो कम रखेगा। इसका मतलब इनकम के बढ़ने से बढ़ेगी इस पर्पज के लिए मुद्रा की मांग, इनकम के घटने से घटेगी। तो इसको अगर हमें ग्राफ से दिखाना हो तो इसका एक कन्वेंशनल ग्राफ है। अगर आपकी इनकम वाई जीरो है तो आप मुद्रा की मांग करते हैं ओएम जीरो। अगर किसी कारण से आपकी इनकम बढ़ जाती है, मान लो इनकम बढ़ के वाई वन हो गई, तो उस अवस्था में क्या होगा, हमारी मुद्रा की मांग ओएम से बढ़ के ओएम वन हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो इसका ग्राफ है इनकम के साथ, लेकिन अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए जो मनी की डिमांड है उसका रिलेशनशिप कैसा होगा वो हम यहां देखते हैं। वाई एक्सिस हमने चेंज कर दिया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, तो यहां मुद्रा की मांग हम कैसे दिखाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए मुद्रा की मांग डिपेंड नहीं करती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा आपका वो एक सीधी लाइन बनेगी। इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे इतना कम हो, ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही रहेगी। यानी इनकम पे डिपेंड है, इनकम के हिसाब से रहेगी। वाई जीरो इनकम है तो ओएल के बराबर रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे आपका आर जीरो हो तब भी इतनी ही मनी की डिमांड होगी ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए, अगर आर वन है तो भी हम इतनी ही मात्रा में ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए मनी की डिमांड करेंगे। तो ये हो गई ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए मनी की डिमांड का जो हमारा ग्राफ आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वो इस तरीके का आएगा। अब हम दूसरे उद्देश्य के लिए देखते हैं, प्रीकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। ये मैंने पहले बताया था, प्रीकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी का मतलब है कि बिजनेस हो या व्यक्ति हो, वो अचानक कुछ खर्चे आने वाले हैं भविष्य, क्योंकि अनिश्चित है, भविष्य में कुछ अचानक खर्चे आ सकते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, दोनों तरीके से हमें देखना पड़ेगा। उनको लाभ उठाने के लिए हमें कुछ पैसे अपने पास रखते हैं एज ए प्रीकॉशन, सावधानी उद्देश्य के लिए रखते हैं। अब केन्स के अनुसार ये भी लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। हालांकि ये टाइम होरिजन पे भी डिपेंड करता है, बंदा कितना दूरदर्शी है उस पर भी डिपेंड करता है कि जो लोग हैं वो कितने दूरदर्शी हैं। जो दूरदर्शी ज्यादा होगा, आगे भविष्य की ज्यादा सोचेगा, वो ज्यादा मात्रा में प्रीकॉशनरी मोटिव के लिए रखेगा, और जिसको चिंता नहीं है वो कहता है कि जी होगा वो देखा जाएगा, तो इसका मतलब उसकी दूरदर्शिता कम है तो वो कम रखेगा। लेकिन नॉर्मली ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगा। जिसकी इनकम 1,00,000 है वो हो सकता है 20,000 रूपये अलग से हर अपने पास रखता हो कि पता नहीं क्या कब क्या इमरजेंसी हो जाए, और जिसकी 40,000 है उसकी अमाउंट अलग होगी। तो ये भी लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका भी अगर हम ग्राफ देखेंगे, पहले तो हम रिलेशन दिखाते हैं, क्या रिलेशन है, एलपी। यहां इसको थ्रू आउट हम जो प्रीकॉशनरी मोटिव के लिए लिक्विडिटी प्रीफरेंस है उसको हम एलपी का नाम देंगे, और ये भी वाई का एक फंक्शन है। तो ग्राफ वही के वही बनेंगे जो मैंने दिखाया था, इसलिए हम कोई बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ हमने पहले देखा हुआ है, वैसा ही ग्राफ आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। वाई जीरो इनकम है तो ओएम जीरो, वाई वन है तो ओएम वन। लेकिन अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसको देखते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमने बनाया, ये मनी की मात्रा है, यहां पे मनी की मात्रा, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने पहले बनाया था, यानी इनकम पे डिपेंड करेगा। इनकम के हिसाब से अगर वाई जीरो इनकम है तो हम कह सकते हैं कि लोग ओपी अमाउंट जो है वो व्यक्ति जो है वो प्रीकॉशनरी मोटिव के लिए अपने पास रखेगा। तो ये जो ओपी डिमांड है ये इनकम पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती है, इसलिए ग्राफ भी सीधी लाइन होगी। चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जीरो हो चाहे आर वन हो, मनी की डिमांड प्रीकॉशनरी मोटिव के लिए उतनी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
अब हम आते हैं तीसरा और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो केन्स ने इंट्रोड्यूस की, वो थी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, इससे हमारा मतलब क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था स्पेकुलेटिव का मीनिंग क्या बताया था, मैंने बताया था कि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। अब सट्टा उद्देश्य क्या है? सट्टा उद्देश्य है कि भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को अगर हमें लगता है हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो उस समझ का फायदा उठा के हम कुछ प्रॉफिट बनाने का प्रयास करते हैं। अगर हमें पता है कि भविष्य को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो उसका लाभ उठाकर हम कुछ उस नॉलेज का लाभ उठाकर हम लाभ कमाना चाहते हैं, उस नॉलेज का यूज करके प्रयोग करके हम कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है। यानी फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा उसके ऊपर हमारी मनी की डिमांड आज के दिन डिपेंड करेगी। अब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी समझने के लिए हमें एक बॉन्ड की कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। हालांकि बॉन्ड कुछ नहीं है, इंटरेस्ट बियरिंग एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बॉन्ड क्या है? एक पेपर है, एक सर्टिफिकेट है जिसपे एक वैल्यू लिखी होगी, मान लो उस पर 1000 रुपये लिखे हुए हैं, ठीक है, और एक डेट लिखी होगी, मान लो वो डेट लिख दी हमने 31 मार्च 2021। यानी ये जो कागज है, जो सर्टिफिकेट है, इसकी वैल्यू 31 मार्च 2021 को 1000 रुपये होगी, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है जिसपे आगे की डेट लिखी हुई है, ये आज 22 अप्रैल को सेल हो रहा है, तो ये 1000 रुपये का तो नहीं मिलेगा, आपको कम में मिलेगा ना। आज जो इसका सौदा होगा वो कुछ कम में होगा, मान लो ये आज के दिन 800 रुपये में मिल रहा है, इसका वैल्यू 800 रुपये है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पे हमें लगभग 20% जो है इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, अगर ये 900 रुपये में मिल रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट कम है। यानी जो बॉन्ड का प्राइस है, इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड का प्राइस ज्यादा होगा, कम होगा। अगर इंटरेस्ट का रेट कम होगा तो बॉन्ड का प्राइस ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? नहीं, एक बार फिर से बताता हूं। बॉन्ड जो है वो ऐसा एक पेपर है जिसपे आगे की एक डेट लिखी होगी और उसका सौदा आज हो रहा होगा। अब वो कितने में आज बिकेगा ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचा है तो आज कम में बिकेगा, क्योंकि 1000 रुपये आप आपको मिलने हैं एक साल के बाद, तो आज आपको 800 में मिलेगा। क्योंकि अगर आप आज 800 रुपये रखते हो सकता है 20% रेट से बैंक में आपको 960 रुपये तो वैसे ही मिल जाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब ब्याज की दर ऊंची होगी तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा, ठीक है, और जब ब्याज की दर नीची होगी तो बॉन्ड का प्राइस अधिक होगा, ठीक है। जब ब्याज की दर नीची होगी तो बॉन्ड का प्राइस अधिक होगा। मान लो ब्याज की दर 3% है तो हो सकता है बॉन्ड का प्राइस 990 रुपये हो, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोगों को लगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने वाला है तो वो क्या करेंगे? अब ऊंचा है, आगे घटने वाला है, लोगों को लगेगा घटने वाला है तो वो बॉन्ड खरीदेंगे, ठीक है, बॉन्ड खरीद लेंगे। और जब रेट कम होगा, ये ज्यादा बढ़ता जाएगा ना, जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा बॉन्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा, तो उस वो बॉन्ड को उस समय बेच देंगे। यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचा होता है तो लोग बॉन्ड ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे, ताकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे गिरेगा, उन्हें पता है कि आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है, तो उस अवस्था में वो उस बॉन्ड को बेच देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ब्याज की दर ऊंची होगी तो लोग अपने पास कैश नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? कैश बॉन्ड रखेंगे, कैश से बॉन्ड खरीद लेंगे। यानी उस समय उनकी लिक्विडिटी प्रिफरेंस जो है वो कम होगी, क्योंकि उनके पास जेब में पैसे कम होंगे, बॉन्ड ज्यादा होंगे। लेकिन जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता जाएगा, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गया, तो अब उनको लगता है कि और नीचे नहीं गिरेगा। 5% अगर है तो मान लो 995 में बिक रहा है, तो उनको लगता है कि अब तो काफी नीचे आ गया, इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो उस समय वो बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, बॉन्ड को बेचेंगे जो उनके पास होल्ड है, और अपने पास लिक्विड रखेंगे। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब नीचा होगा तो उनकी
जो लिक्विडिटी प्रीफरेंस है स्पेकुलेटिव मनी के लिए वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा मात्रा में नकदी रखेंगे जब ब्याज की दर कम होगी, और ब्याज की दर ऊंची होगी तो वो ज्यादा मात्रा में नकदी, कम मात्रा में नकदी रखेंगे। और एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जब वो नकदी बिल्कुल ना रखें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगी स्पेकुलेटिव मोटी के लिए डिमांड, और इसको हम ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। यहां मैंने इसको दिखाया है, एलएस जो है फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, क्लियर है। ग्राफ मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां पे इस तरीके का ग्राफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आर जीरो है, तो मैंने बताया था ज्यादा है ना बॉन्ड, अब उनको सस्ता मिल रहा है तो इस समय वो बॉन्ड खरीदेंगे, और उनके पास कम मात्रा में लिक्विड अमाउंट में मनी रहेगा, नकदी कम होगी। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो वो बॉन्ड्स को बेचना शुरू करेंगे, नकदी उनके पास ज्यादा आती जाएगी, और ज्यों ज्यों वो ब्याज की दर गिरती जाएगी वो अपने बॉन्ड्स को बेचते जाएंगे और अपने पास नकदी रखेंगे। और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जो मैंने यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर टू दिखाया, यानी जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा लोगों की बॉन्ड बेचने के बाद नकदी की मांग बढ़ती जाएगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमने काफी कम कर दिया तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो बॉन्ड खरीदना ही नहीं चाहेंगे। मान लो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बॉन्ड आज के दिन 998 का मिल रहा है और हमें लगता है कि एक साल के बाद हमें वो 1000 रूपये मिलेंगे, तो हो सकता है, या फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, हो सकता है कि 995 का हो तब भी वो सोच सकते हैं। ये 2% कोई फिक्स नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बताया कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी नीचे होगा तो लोग बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सारी की सारी मात्रा जो है अपने पास नकदी के रूप में रखना चाहेंगे, वो बॉन्ड्स में निवेश नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति जब आ जाएगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नीचा हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप हो गई, यानी वहीं की वहीं रहेगी लिक्विडिटी, सारी की सारी अमाउंट लिक्विड फॉर्म में रह गई, वो बॉन्ड्स के फॉर्म में नहीं जाएगी। तो इसको हम कहेंगे लिक्विडिटी ट्रैप, L1 के आगे का जो ग्राफ है। इसको इस रूप में भी हम कह सकते हैं, इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? कि ब्याज की काफी निची दरों पर, एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक। अब क्या मतलब है? ये वाला पोर्शन ग्राफ देखो, ऐसा ग्राफ जा रहा है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल। हमें पता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जब भी ग्राफ जाता है, जो भी लाइन खींचते हैं, तो हम कहते हैं कि वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो इसका मतलब ब्याज की निची दरों के ऊपर, काफी कम दर के ऊपर, जो स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी की डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है, और इसी को हम लिक्विडिटी प्रिफरेंस कहते हैं, सॉरी लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, जैसे कि यहां हमने दिखाया है, ठीक है। इसको दो तरीके से परिभाषित कर सकते हो आप। एक तो ये कह सकते हो कि ब्याज की निची दरों के ऊपर जब स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मुद्रा की मांग, या मुद्रा की मांग परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, तो उसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। इसकी एक परिभाषा हम दूसरे रूप में भी दे सकते हैं कि ब्याज की निची दर जिसके ऊपर लोग अपनी सारी मुद्रा को उधार देने की बजाय सारी मुद्रा को अपने पास नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं, उसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं तरलता बंद। यानी ये तरलता बंद कब होगा? जब ब्याज की दर काफी नीचे हो जाए, और उसके बाद उस निची दर के ऊपर अगर लोग पैसा सिर्फ कैश में ही रखना चाहें, तो उसको हम कहेंगे अब लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति आ गई है, ब्याज की दर का अब कोई प्रभाव नहीं होगा, और ज्यादा नीचे करेंगे तो लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हमने तीनों पर्पजेज के लिए मनी की डिमांड देखी, स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए कितनी है, प्रीकॉशनरी और ट्रांजेक्टिव, लेकिन हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो है टोटल डिमांड ऑफ मनी कितनी है। हमें जानना यह है कि टोटल डिमांड इकोनॉमी में मनी की क्या है, तो यह जानना आसान है। तीन तरीके की डिमांड की हमने बात की थी, प्रिकॉशनरी पर्पज, ट्रांजेक्शन पर्पज और स्पेकुलेटिव पर्पज। अगर तीनों को हम जोड़ दें तो हमें टोटल डिमांड पता लग जाएगी। तो ये वही काम हम इस ग्राफ में करने वाले हैं। ये जैसे मैंने दिखाया ग्राफ किस चीज का है, ये आपका ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए है, LT मैंने बताया था। तो ये ग्राफ वही है जो हमने वहां दिखाया था। इसके साथ ही हमारा ये ग्राफ स्पेकुलेटिव पर्पज वाला है, और हमारा ये ग्राफ जो है, सॉरी प्रीकॉशनरी पर्पज वाला है, और ये हमारा ग्राफ है स्पेकुलेटिव पर्पज वाला है, ठीक है। स्पेकुलेटिव डिमांड है जो हमने देखी थी, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तीनों ग्राफ हमने देखे थे। ये LT है आपका, ये आपका LP है, और ये LS है स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए। अगर अभी हमें कुल मांग निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों को जोड़ना पड़ेगा,
यानी एमडी टोटल डिमांड ऑफ मनी स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए, प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए और ट्रांजेक्टिव पर्पज के लिए, तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास मुद्रा की कुल मांग आ जाएगी। तो इसको कैसे जोड़ेंगे वो मैं बताता हूं। वैसे तो हॉरिजॉन्टल सममेशन है, हमने कई बार किया है, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कुल डिमांड है मनी की, यहां ली मैंने आपकी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आर जीरो है, तो आर जीरो रेट पे कुल मांग कितनी होगी, इन तीनों का जोड़ होगी ना। यानी आर जीरो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए डिमांड ये थी, क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए वो थी, सावधानी उद्देश्य के लिए इतनी थी और स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए ये है। अगर हम तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ना आसान है, ये हमने यहां से ले ली ट्रांजेक्शन पर्पज, ये हमने प्रिकॉशन पर्पज यहां से ली और ये हमने यहां से ली, तो ये हमारी कुल डिमांड आ गई रेट ऑफ आर जीरो पे। आर जीरो पे हमारी कुल डिमांड कितनी होगी, इतनी होगी यहां से यहां तक, एक पॉइंट बना लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमें आर वन पे निकालने हो तो यही तरीका अपनाएंगे, आर जीरो पे मांग कितनी है यहां हमारी, ओ ए के बराबर है। अब आर वन पे करना है हमें, तो वही काम करेंगे जो अभी किया था हमने, पहले ये वाली डिमांड लेंगे उतनी है जो इतनी वहां थी, ये वाली इतनी, यानी ये दोनों तो चेंज नहीं होगी, आर के साथ ये चेंज नहीं होती है, केवल ये वाला पोर्शन चेंज होगा हमारा, तो इसको ऐड कर देंगे और एक नया पॉइंट यहां बना लेंगे, यहां नया पॉइंट आ गया। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर वन होगा तो कुल मांग कितनी होगी मुद्रा की, ओ बी के बराबर होगी। यहां अब हम तीसरा पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं आर टू, ये डिमांड तो सेम है दो पर्पज के लिए, तो सेम है ना, उतनी है ये प्लस ये तो बराबर रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट से चेंज नहीं होगी, ये वाली जो हमारा पोर्शन है ये चेंज होगा। तो इसको अगर हम आगे करेंगे तो ये हमारा यहां आ गया और यहां पे हमने एक पॉइंट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। जब हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मनी की टोटल डिमांड हमें पता लग जाएगी, यानी आर जीरो पे, आर वन पे और आर टू पे हम जो हमारा तीनों पर्पजेज के लिए कुल मांग है उनके पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारी मनी की कुल डिमांड आ जाएगी। ठीक है, कुल डिमांड। अब ये देखो ये ग्राफ जो है देखने में एक जैसा है, ठीक है, सिर्फ ये जो शुरुआत है इसकी यहां पे यहां से शुरू है, लेकिन यहां पे हम थोड़ा आगे शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि ये दोनों डिमांड जो है फिक्स रहेगी। तो केवल अगर हमें ये दो पर्पज के लिए मनी की डिमांड को दिखाना हो तो इस ग्राफ में वो भी दिखा सकते हैं, ये ट्रांजेक्शन और लिख दिया मैंने यहां, ट्रांजेक्शन और स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी की डिमांड ये रहेगा दोनों, ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ चेंज नहीं होगी और ये चेंज हो जाएगी। तो ये जो हमारा आगे जो हम यूज करेंगे मनी डिमांड का फंक्शन, तो ये हम ऐसे थोड़ा सा आगे हटा के इसको यूज करेंगे, तो ये हमारी मनी डिमांड का फंक्शन होगा। रिमेम्बर वापिस चलते हैं, हमने क्या कहा था, कहां से शुरुआत की थी, केन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा होता है। मुद्रा की मांग हमने देख ली और उसका ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया, इस तरीके का होगा। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, अब ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मनी सप्लाई है, मुद्रा की पूर्ति स्थिर दिखाई हमने, क्यों, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करती, वो देश की सरकार या देश के बैंक पे निर्भर करती है कि वो कितने नोट छापते हैं, कितनी मात्रा में मुद्रा अर्थव्यवस्था में छोड़ते हैं, वो ब्याज की दर पे निर्भर नहीं करता, वो देश की मौद्रिक नीति पे, जो मौद्रिक अधिकारी हैं उन पे निर्भर करता है। तो ये जो शॉर्ट रन है उसमें मनी की जो सप्लाई है वो फिक्स रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। तो अब हमने सप्लाई ऑफ मनी भी हमें प्राप्त हो गई, डिमांड ऑफ मनी भी प्राप्त हो गई, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि हमारी ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होगा। कैसे होगा, हमने पहले भी बताया था कि ब्याज का निर्धारण वहां होगा जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुद्रा की पूर्ति ओएम के बराबर है, मुद्रा की मांग, ये मुद्रा की मांग का हमने ग्राफ बनाया, तो इसका मतलब ब्याज की दर का निर्धारण कहां होगा, जहां एल जीरो मुद्रा की मांग है, जहां मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग एक दूसरे के बराबर होंगी। वो कहां बराबर होंगी, इस ग्राफ से हमें पता लगता है यहां बराबर होंगी, जहां काटते हैं वहीं बराबर होते हैं ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना फिक्स हो जाएगा, आर जीरो के बराबर फिक्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगा, यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगा और वो स्थिर रहेगा, जैसे इक्विलिब्रियम हमने बाकी जगह देखा था वैसा ही एक इक्विलिब्रियम होगा
जैसे हमने बाकी जगह डिस्कस किया था, यानी अगर किसी कारण से ब्याज की दर बढ़ जाती है, बढ़ गई, मान लो आर जीरो से बढ़ के आर वन हो गई, तो अब क्या हुआ, मुद्रा की मांग इतनी है और मुद्रा की पूर्ति इतनी है, यानी मुद्रा की इतनी मात्रा में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो गई जिसकी मांग नहीं है। अगर नकदी ऐसी है कि जो लोग उधार देने के लिए तैयार हैं लेकिन कोई उधार लेने वाला नहीं है, तो ब्याज की दर पे नीचे की तरफ प्रेशर बनेगा और फिर से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे। जो हम नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई का डिस्कस करते आते हैं वही है। और अगर किसी कारण से ब्याज की दर घट जाती है तो क्या होगा, मान लो घट गई, तो उसके कारण मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, लोग उधार ज्यादा मांग करते हैं, लोग उधार देने के लिए तैयार कम है, तो उस अवस्था में क्या होगा कि ये जो ब्याज की तरफ, ब्याज का ऊपर की तरफ प्रेशर बनेगा और तब तक ये ब्याज ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा जब तक दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का निर्धारण, सॉरी ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा होता है, लेकिन किसी कारण से अगर हम इस संतुलन बिंदु से ऊपर नीचे चले जाते हैं तो बाजार की जो क्रियाएं हैं, मांग और पूर्ति की क्रियाएं हैं मुद्रा की, वो अपने आप इसको वापस इसी लेवल पे ले आएंगी और यहां पे जो मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा आर जीरो ब्याज का निर्धारण होगा। तो इस तरीके से केन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण होता है जो केन्सियन थ्योरी हमें बताती है। अब अगर किसी कारण से मनी डिमांड में चेंज हो जाता है, किसी भी कारण से हो सकता है, लोगों की इनकम बढ़ने के कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर किसी कारण से लोगों की मनी डिमांड बढ़ जाए या चेंज हो जाए, बढ़ने की बात हम नहीं करते हैं, परिवर्तन हो जाए मनी की डिमांड में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखने का प्रयास करते हैं। वही ग्राफ जो हमने अभी बनाया था, मनी की मात्रा जो हमने एक्स एक्सिस पे ली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई पे, ये मनी की सप्लाई है, ये मनी की डिमांड है, एल जीरो है, ठीक है, ये इतना ही ग्राफ है जितना हमने पहले लिया था। अब अगर मनी की डिमांड सपोज बढ़ गई, तो मनी की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, ये जो कर्व है, एल जीरो कर्व है, ये किधर जाएगा, राइट में जाएगा, डिमांड बढ़ने से राइट में शिफ्ट होता है ना, यानी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अब हम ज्यादा मात्रा में डिमांड करेंगे, तो इसको हम राइट में शिफ्ट करते हैं, ये आर जीरो था, राइट में शिफ्ट किया और मैंने एक नया कर्व बनाया एल वन। एल वन कब है, जब मुद्रा की मांग बढ़ गई, बढ़ रही है ना यहां पे मुद्रा की मांग, जब मुद्रा की मांग बढ़ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नया संतुलन बिंदु यहां आ जाएगा ना, अब नई डिमांड कर्व ये है और ये हमारा सप्लाई बिंदु है, तो ये बिंदु हमारा नया इंटरसेक्शन प्वाइंट है और इस बिंदु पर ब्याज की दर निर्धारित होगी वो आर वन होगी। क्या हुआ, हमने क्या देखा कि जब मुद्रा की मांग बढ़ती है तो ब्याज की दर भी बढ़ जाती है, यानी मुद्रा की मांग में अगर बढ़ोतरी होगी तो ब्याज की दर बढ़ जाएगी। इसके विपरीत घटा के देखते हैं, मुद्रा की मांग हमने घटा के L2 की, तो उस अवस्था में क्या होगा, नया संतुलन बिंदु हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, यहां आ जाएगा और ब्याज की दर जो है वो हमारी घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मुद्रा की मांग में अगर बढ़ोतरी होती है, पूर्ति स्थिर है यहां ध्यान रखना, मुद्रा की मांग में अगर बढ़ोतरी होती है तो ब्याज की दर बढ़ जाती है, मुद्रा की मांग में अगर कमी आती है तो ब्याज की दर जो है वो घट जाती है, ठीक है। तो चेंज ऑफ डिमांड का, मनी की चेंज ऑफ डिमांड का, जो मुद्रा की मांग है उसका संतुलित ब्याज की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर मुद्रा की मांग बढ़ती है तो बढ़ जाएगी ब्याज की दर और मुद्रा की मांग घटती है तो ब्याज की दर घट जाएगी। नेक्स्ट है, अगर मुद्रा की पूर्ति में चेंज आती है तब क्या होगा, बेसिक ग्राफ हमने बनाया वही का वही बना के देख लेते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इतना, तो ये ब्याज की दर का निर्धारण हुआ। अब हम कहते हैं अगर मुद्रा की मांग चेंज हो जाए, एमएस जीरो है ना अभी, अगर ये एमएस जीरो से बढ़ जाए, यानी अर्थव्यवस्था में ज्यादा मात्रा में सरकार ने नोट और सिक्के छाप दिए या बैंकों को उधार देने की ज्यादा परमिशन दे दी, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो क्या होगा, ये हमने नया पूर्ति करो बनाया एमएस वन, तो यहां पे आ गए हम। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो ब्याज की दर यहां आ गई ना इस बिंदु पे, कितनी है आर वन, यानी जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो ब्याज की दर घट जाती है, ठीक है। अब अगर किसी कारण से मुद्रा की जो पूर्ति है वो घटती है तो क्या होगा, ये घटी ना यहां पे, तो ब्याज की दर बढ़ जाएगी आर जीरो से बढ़ के आर टू हो जाएगी। तो ये हमने देखे इफेक्ट देखे कि सप्लाई में परिवर्तन होने से, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने से संतुलित ब्याज की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और
मुद्रा की मांग में परिवर्तन होने से संतुलित ब्याज की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हमने डिस्कस किया। तो इसके साथ ये थ्योरी जो हमने एक्सप्लेनेटरी पार्ट है वो खत्म हो गया। अब हम जो लास्ट में करते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं, वो हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो इस थ्योरी की हम आलोचनाएं देखते हैं या कमियां देखते हैं कि किन आधार पर इस थ्योरी की जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने आलोचना की है। बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने इस थ्योरी की आलोचना की है, हेजलिट है, हैंसन है, उन्होंने इस थ्योरी की आलोचनाएं की हैं और किन आधारों पर आलोचनाएं की है वो हम डिस्कस करेंगे। पहली जो आलोचना है वो तो यही है कि ये जो सिद्धांत है, हमने ध्यान दीजिए शुरुआत में हमने कहां से शुरुआत की थी, हमने शुरुआत की थी कि ब्याज की दर एक मौद्रिक घटना है जो मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, ये हमने डिस्कस किया था। अब क्योंकि ये केवल मौद्रिक तत्वों को ध्यान में रखती है, ये वास्तविक तत्वों की अवहेलना करती है, वास्तविक तत्वों को ध्यान में नहीं रखती, केवल ये कहती है कि मुद्रा की मांग और पूर्ति से ब्याज की दर निर्धारित होती है। वास्तव में ऐसा नहीं है, मुद्रा की मांग पर बहुत सारे वास्तविक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है जो ये जो थ्योरी है वो इग्नोर करती है, उसको ध्यान में नहीं रखती है। दूसरा, ये जो थ्योरी है इनडिटर्मिनेंट है, अनिर्धारणीय है। अब ध्यान रखना, आप केन्स ने आलोचना की थी परंपरावादी जो हमने ब्याज की दर का सिद्धांत था उसको जब डिस्कस किया था तो केन्स ने कहा था कि ये जो सिद्धांत है अनिर्धारणीय है, लेकिन हैंसन का ऐसा मानना था कि केन्स का खुद का सिद्धांत भी अनिर्धारणीय है, यानी जो जिन आधारों पर उन्होंने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की आलोचना की उसी आधार पर हैंसन और हिक्स ने भी ये कहा कि जो आलोचना केन्स क्लासिकल इकोनॉमी क्लासिकल थ्योरी की करता था वही आलोचना केन्स पर भी लागू होती है क्योंकि वो अनिर्धारणीय है। अब अनिर्धारणीय क्यों है? केन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन जो लिक्विडिटी प्रिफरेंस है यानी जो मुद्रा की मांग है वो दो तत्वों पर निर्भर करती है, किस पे? आर पे और वाई पे, हमने डिस्कस किया था ना, यानी ब्याज की दर पे भी और इनकम पे डिपेंड करती है। इसका मतलब जब इनकम के हम अलग अलग लेवल लेंगे तो अलग अलग लिक्विडिटी प्रिफरेंस होंगी, यानी इन लिक्विडिटी प्रिफरेंस के लिए हमें इनकम का ज्ञान होना जरूरी है और इनकम के ज्ञान होने के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का ज्ञात होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत जो है ये अनिर्धारणीय है, ये निर्धारण नहीं करता। इसलिए हिक्स एंड हैंसन ने जो आधुनिक सिद्धांत दिया है जिसको हम ISLM कर्व कहते हैं उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो निर्धारणीय है, दोनों जो मॉनेटरी सेक्टर है और रियल सेक्टर है दोनों का एक साथ संतुलन, वहां हिक्स एंड हैंसन ने दिखाया कि किस तरीके से ये थ्योरी अनिर्धारणीय है और किस तरीके से इस अनिर्धारणीयता को समाप्त किया जा सकता है, जो ISLM वक्र में हम आगे डिस्कस करेंगे किसी दूसरे लेक्चर में। तीसरी जो इस थ्योरी की आलोचना है वो ये कहता है कि लिक्विडिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट इज अ रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी, लेकिन सेविंग के बिना क्या लिक्विडिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब, या वेटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वेटिंग से हमारा क्या मतलब है कि टाइम प्रिफरेंस कह सकते हैं कि जैसे मान लो हमने जब उधार देते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पैसे के लिए वापिस आने का वेट करते हैं, एक साल तक हम उसके बिना काम चलाते हैं ना, तो इन चीजों पे डिपेंड करता है लेकिन सिर्फ लिक्विडिटी पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, ये भी सेविंग के बिना लिक्विडिटी की कल्पना करना गलत है, इस आधार पर भी हम आलोचना करते हैं। अगला, ये थ्योरी जो है इनकंसिस्टेंट है। क्यों इनकंसिस्टेंट है? इंसिस्टेंट से हमारा मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट से हमारा मतलब है कि ये वास्तविक जीवन में हमें लागू होती हुई दिखाई नहीं देती, जो हमारा वास्तविक अनुभव है उसमें ये थ्योरी हमें मार्गदर्शन नहीं करती, ये काम नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अगर मान लो अर्थव्यवस्था में तेजी है और अगर उस तेजी को कम करने के लिए हम किसी कारण से मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देते हैं, जब अर्थव्यवस्था में तेजी है इसका मतलब ब्याज की दर भी बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, तेजी का वही मतलब है। तो अर्थव्यवस्था में अगर तेजी है तो उस अवस्था में अगर हम मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं तो ब्याज की दर घटनी चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने देखा नहीं ऐसा। जब भी हम अर्थव्यवस्था में तेजी होती है, अगर हम अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते हैं तो ब्याज की दर बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। इसी तरीके से जब मंदी होती है तो हम ब्याज की जो मुद्रा की पूर्ति को घटाते हैं और ये सोचते हैं ब्याज की दर बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं बढ़ती है, वो घटती रहती है। इसलिए ये जो थ्योरी है ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ये अनुभव पर आधारित नहीं है, अनुभव जन्य नहीं है, हमारे अनुभव में इसको हमने लागू होते हुए नहीं देखा है। फिर ये जो सिद्धांत है ये पूरा केन्स का सिद्धांत शॉर्ट टर्म एनालिसिस है।
अल्पकालीन विश्लेषण है, दीर्घ काल में ब्याज की दर का निर्धारण किस तरीके से होगा ये सिद्धांत के द्वारा हमें नहीं पता लगता। इसके बाद ये जो थ्योरी है ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये कहती है कि ब्याज की दर जो है वो तरलता को त्यागने का पुरस्कार है। मैं अगर कुछ पैसे बैंक में जमा करता हूं तो मेरे पास तरलता भी काफी हद तक है और मुझे ब्याज भी मिलता है, इसका मतलब ये तरलता को त्यागने का पुरस्कार तो नहीं हो सकता क्योंकि मुझे दोनों प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपने आप में ये खुद ही स्वयं जो है विरोधाभासी है। इसके बाद लिक्विडिटी प्रिफरेंस के लिए उन्होंने तीन मोटिव बताए थे हमें, अभी हमने डिस्कस भी किया था तीन मोटिव, ट्रांजेक्टरी भाई क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए, ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए, प्रीकॉशन पर्पज के लिए और स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। तीन मोटिव उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, वास्तव में केवल तीन मोटिव के लिए हम मुद्रा की डिमांड नहीं करते, अगर हमें बिजनेस का विस्तार करना है तो उसके लिए भी मुद्रा का मांग की मांग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब बहुत सारे दूसरे तत्व भी हो सकते हैं जिसके लिए हम लिक्विडिटी की डिमांड करते हैं, तो केवल ये तीन उद्देश्य जो है ये नहीं हो सकते। हम सुविधा उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग करते हैं, सुविधा हो हमें उसके लिए भी करते हैं। फिर ये जो नोशन था, सॉरी ये रॉन्ग नोशन है, रॉन्ग नोशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, यानी जो लिक्विडिटी ट्रैप की जो धारणा थी वो गलत थी। उन्होंने कहा कि काफी नीची दरों के ऊपर एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जहां लोग अपनी सारी मुद्रा को नकदी के रूप में रखना पसंद करेंगे, वो उधार देना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है। ब्याज की ऐसी कोई दर नहीं होती जिस पर लोग बिल्कुल भी उधार नहीं देते या सारी मात्रा को अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं। और लास्ट जो आलोचना है वो हम सभी थ्योरीज की करते हैं कि इसके जो अजम्पशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। इसके साथ साथ ये इसकी एक आलोचना ये की जा सकती है कि ये सिद्धांत हमें बताता है कि ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होगा, डिमांड और सप्लाई काटेंगे, हमने किया ना कि आर जीरो पे दोनों एक साथ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाएगा और वही अर्थव्यवस्था में बना रहेगा, लेकिन वास्तव में हमने ऐसा नहीं देखा। एक किसी भी इकोनॉमी में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। आप मकान के लिए लोगे तो अलग है, मैं उधार लूंगा तो अलग है, आप उधार लोगे तो अलग है, कोई दूसरा व्यक्ति उधार लेता है उसके लिए ब्याज की दर अलग हो सकती है, एक साथ एक जैसी ब्याज की दर नहीं होती। तो इन आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। इसके साथ ही ये वीडियो